हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको नागपंचमी 2021 के बारे में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, नागपंचमी 2021 में कब है, उसकी तारीख, समय और कथा है। सावन माह मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है, लेकिन इस माह में सिर्फ शिव की पूजा के लिए नहीं बल्कि उनके कंठ में निवास करने वाले नाग देवता की पूजन करने का भी विधान है, जिसे नागपंचमी के रूप में जाना जाता है। माना जाता है नागपंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में इस बार यानी 2021 में नागपंचमी शुक्रवार 13 अगस्त को पड़ रही है। नागपंचमी दिनांक शुक्रवार 13 अगस्त, पंचमी तिथि की शुरुआत 12 अगस्त को 3:24 से और समाप्ति 13 अगस्त को 1:42 तक। नागपंचमी पूजा मुहूर्त 5:48 से सवेरे तो 8:27 तक, पूजा अवधि 2:39। नागपंचमी कब मनाई जाती है? नागों की पूजा का पर्व यानी नागपंचमी सावन या के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि पंचमी के दिन नाग देवता पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। वही भारत के कुछ प्रदेशों में चैत्र व भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन भी नागपंचमी मनाई जाती है। नागपंचमी व्रत पूजा विधि, ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है। ऐसे में इस दिन अष्टनागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। अष्टनागों के नाम अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट, शंख। इस दिन कई लोग शिव मंदिर में जाकर नाग देवता की पूजा करते हैं। इस व्रत के देव 8 माने नाग माने गए हैं। इस दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कटक, शंख नामक अष्टनागों की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें, पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। फिर हल्दी, लाल सिंदूर, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। सुविधा की दृष्टि से किसी भी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर यह दूध सर्प को पिलाया जा सकते हैं। अंत में नागपंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। धन्यवाद। ऐसे ही नए नए विषय पर जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।